अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पत्ता गोभी कीमा। उसके लिए हमें चाहिए, उसको हमने बनाना है दो पोर्शन में बनेगा ये कीमा और पत्ता गोभी। कीमे के लिए हमें चाहिए, ये है तकरीबन 100 ग्राम जितना मैंने कीमा लिया हुआ है, 100-150 ग्राम जितना कीमा होगा। उसके अंदर मैंने डाला हुआ है 1/2 टीस्पून रेड क्रश चिली, 1/2 टीस्पून जितना दालचीनी पाउडर, सिनेमन पाउडर, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, 1/2 टीस्पून हल्दी, ब्लैक पेपर क्रश 1/2 टीस्पून, 1/2 डाइस टोमेटो है छिलके के साथ। इसके बगैर के लिए हमें चाहिए ब्लैक पेपर, थोड़े से रोस्टेड धनिया साबुत वाले, और साबुत ज़ीरा 1/2 टीस्पून। ये कीमे के इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने इसको पहले रोस्ट करना है। हमें ग्रेवी या पत्ता गोभी के इंग्रेडिएंट्स में चाहिए, ये पत्ता गोभी है, मैंने मीडियम साइज़ में से पाव या पाव से थोड़े से ज़्यादा लेकर स्लाइस कर लिया है, इतने मोटे हिस्से में। इसमें जाएगा गरम मसाला, ये घर का पिसा हुआ है 1/2 टीस्पून। ये है बघार के लिए हमें राई चाहिए 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा साबुत वाला, 2 क्लोव ऑफ गार्लिक क्रश, 1/2 इंच टुकड़ा जिंजर का क्रश, 1 तीखी वाली मिर्चें स्लाइस की हुई है, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है ये, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर रोस्टेड, ये दोनों रोस्टेड है, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टोमेटो स्लाइस किया हुआ छिलके निकाल के, 1 छोटे प्याज को मैंने स्लाइस कर लिया है सब्जी वाली कटिंग में, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, बिग वाली हरी मिर्चें 2 ली हुई है, 1 टेबलस्पून मेरे पास ये ब्लांच किए हुए मटर थे ये ले लिए मैंने, और धनिया स्प्रिंकल के लिए। मैंने ऑयल ले लिया, गरम हो गया, मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये हमारे मसाले, धनिया, ज़ीरा और ब्लैक पेपर। इसमें ये हमारा जो कीमा है ये डाल दूँगी, कीमा हल्का सा भुन जाएगा। इसके बाद जो हमने ये डाइस टोमेटो है ये हम इसमें डाल देंगे। और इसको बहुत सारी देर तक इसको भूनना नहीं है, अब हम इसको थोड़ा सा ढक देंगे ताकि टोमेटो सॉफ्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट तक ढककर कीमे को भूनने के बाद टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए। अब मैं इस कीमे को निकाल लूँगी एक बाउल में। मैंने बर्तन में तेल ले लिया, वही वाला बर्तन है जिसमें हमने कीमा बनाया था। अब मैं इसमें डालूंगी राई और ज़ीरा। ये थोड़ा सा होगा, इसके बाद हम लहसुन, अदरक और मिर्चें तीनों चीज़ें डाल देंगे। हमारा अदरक और लहसुन थोड़ा सा होगा, अब इसके अंदर मैं डालूंगी प्याज, इसको हम भूनेंगे। प्याज इतने हो गए हमारे, अब हम इसके अंदर डाल देंगे हमारे सारे सूखे मसाले, लाल मिर्चे, धनिया, जीरा और हल्दी। इसको स्टर देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे हमारे टमाटर। और इसको हम ढक देंगे जब तक कि टमाटर पूरे मैश हो जाए।
हमारे टमाटर मैश हो गए, अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक सिर्फ गोभी जितना, क्योंकि कीमे में हमने डाला हुआ है। मिक्स करेंगे और इसमें बंद गोभी डाल देंगे, पत्ता गोभी। ये थोड़ा सा सॉफ्ट होगा तब तक हम इसको थोड़ा ढक देंगे। जब पत्ता गोभी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे मटर, ये जो हमने रेडी किया हुआ था कीमा, थोड़ी सी धनिया, और हम इसको मिक्स करके थोड़ी देर पकाएंगे ढककर। थोड़ा सा पानी भी डालेंगे ताकि मसाला एक दूसरे के साथ मिक्स हो, और अब मैं इसको ढक दूंगी। 2 मिनट तक इसको ढककर पकने देने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी ये मिर्चें, 1/2 चम्मच जितना गरम मसाला पाउडर, धनिया जो हमने थोड़ा बचाया हुआ था वो, नमक मुझे कम लग रहा है, जितना बचा है वो भी डाल देती हूँ, और अब मैं इसको दम पे रख दूंगी। अगर आपको ये बहुत सूखा लग रहा है तो आप थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि ये और ड्राई नहीं हो जाए और इसका दम अच्छे से लगे, और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। ये हमारा पत्ता गोभी कीमा इज़ रेडी। आई होप आप ट्राई करेंगे, पसंद आएगा। ये तंदूर की रोटियों के साथ, घर की चपाती के साथ और रुमाली रोटी के साथ मज़े का लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।